गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आजकल हम लोग आ रखे हैं अपने गांव गोहाड़, जो कि है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और आज का मौसम देखो, एकदम तीखी धूप लग रखी है यहाँ पे पहाड़ों पे, और ऊपर बादल भी एकदम साफ हैं। अभी बजे हैं सुबह के 8। हम लोग सब नहा धो के तैयार हो चुके हैं और हम लोगों की तैयारी है शिवालय जाने की। तो सबसे पहले जाएंगे शिव जी के मंदिर, वहाँ पे माथा टेकेंगे एंड देन ही ब्रेकफास्ट करेंगे। निकल पड़े हैं हम लोग महादेव जी के मंदिर के लिए। यहाँ पे बोलते हैं उसको महादेव, शिवालय महादेव, शिवजी जी का मंदिर है। देखो गांव के रास्ते, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ये है गांव की गौशाला, ये एरिया में सब गौशालाएं हैं। ये लगे हुए हैं किलमोड़, पर अभी ये पके नहीं है, अभी ये अगले 1-2 महीनों में पक जाएंगे। बादलों के उड़नी वादियां, सारा खेत हमारा है यहाँ से वहां तक, और ये नीचे वाले खेत भी हमारे ही हैं। इसके अलावा जो ऊपर में खेत है, एक वो और एक वो जो मम्मी की साइड में है, वो भी हमारा खेत है। मम्मी को खेतों को देख के अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई। ये हमारा है, ये सारे पेड़ हमारे हैं। अम्मा तो खेतों को देख देख के रोई जा रही है। अम्मा रोने का क्या हुआ भाई, तुम कौन से यहाँ के खेती कर सकते हो? इपन कोयले नहीं करूंगा, सबूला बजा है जो इपन से नोल बजा है। बड़ा बड़ा खेत ही तो कौन। पिछली बार जब हम आए थे तब पापा ने बताए थे हमारे को, मैं तो सब भूल गया। इस बार मम्मी फिर से बता रहे हैं कुछ एक खेत हमारे, पर पता नहीं याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे याद। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अभी हम लोग आने वाले हैं पहाड़ की तली पे, यहाँ से जो नीचे होता है ना पहाड़ का एंड, वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। ये है यहाँ पे एक छोटा सा धारा, थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है अभी इसमें। ये है यहाँ का प्राथमिक स्कूल और ये आंगनबाड़ी, 1 से लेके 5वीं तक। और ये है यहाँ की आंगनबाड़ी, ये है यहाँ की आंगनबाड़ी। अच्छा, यहाँ पे गधेर, यहाँ पे क्या करते थे, ऐसे पुल सा बना देते थे और इस जगह पे पानी भर जाता था पूरा, ये नहाने कपड़े धोने वगैरह के लिए यूज किया जाता था। ये जा रहे हैं गधेर में से पानी में से। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। यहाँ पे कितना घना हो रखा है देखो, सब जगह फूल पत्ते बेल सब चीजें हैं। रेस्ट करने का टाइम हो गया है। ये अभी हम आ गए हैं मंचौर गांव में। इस साइड को सारा मंचौर गांव है, इस साइड को गुहाड़ गांव है। वैसे ये दोनों गांव एक ही में काउंट होते हैं ना, गुहाड़ मंचौर इकट्ठा नाम आता है इनका। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इनका शिवालय आ ही नहीं रहा है, पहाड़ों का ऊपर खबड़ रास्ता है तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। बाकी दादी और मम्मी और इन सब के साथ तो और ज़्यादा लग जाएगा। अभी पूरा लैंडस्लाइड जैसा हो रखा है, फिसलने वाला। हाथ पकड़ो। यहाँ पे जैसे कि गढ़ेरी हो गया, अरबी हो गई और प्याज प्याज लहसुन बहुत बेचते भी थे, खाते भी थे, बहुत ज्यादा होता था, करते थे लोग खेती। अभी तो पूरा जंगल बन गया यहाँ पे। अरे छतरी भी जानती पता नहीं साल है ना छोड़ी जिस हिसाब से रास्ते में लोग मिलते जा रहे हैं, हम लोग रुकते जा रहे हैं, इस हिसाब से तो हमारे को 1-1.5 घंटा भी कमी लग रहा है। 2 घंटे से ऊपर हो जाएंगे। वैसे हमारे को 1-1.5 घंटा हो चुका है रास्ते घर से चले हुए, अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है। अभी अम्मा और मम्मी वो सब लोग ऊपर ही रुक गए, वहाँ पे बातें बूते करने लग गए पापा भी। ये अभी एक नई रोड कट रही है और इस रोड में यहाँ पे कुछ खेत हमारे भी थे जो सड़क में आ गए हैं, पर सड़क का अभी तक कुछ आगे निर्माण हुआ नहीं। ठंडो पानी ठंडो पानी। ये पहुँच गए हैं हम लोग शिवालय में। ये है गुहाड़ मंचौर का शिवालय, शिव मंदिर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। पापा को पुराना दोस्त मिल गया अपना, शायद यहाँ के पंडित हैं ये।
नमस्कार जी, ये आप क्या बना रहे हैं? दीवार बन रही है कि दीवार टूट गई थी? अच्छा, ये दीवार बना रहे हैं आप? मेरे उत्तराखंड में बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। यहाँ से ना थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो गया था तो इसको अब जोड़ रहे हैं, उसके लिए अभी नदी को डाइवर्ट कर रहे हैं। चलो भैया, सब लोगों ने शिवालय में मत्था टेक लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने गांव को। इस बार हम लोग आए थे अपने गांव से ऊपर ऊपर पहाड़ के रास्ते से, और अब हम जाएंगे मंचौर गांव के अंदर से। ये देखो, यहाँ पे हो रखा है धान पूरा यहाँ से लेके वहां तक, और फिर ये पूरे एरिया में धान ही धान है। धान मतलब कणक, कणक मतलब गेहूं। बनी हुई है बीच में, ये बनी हुई है एक तरह की नाली या नहर भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये होती है पानी देने के लिए, बीच बीच में जैसे बना रखे हैं ना स्पॉट, यहाँ से इसको खोल दिया जाता है ताकि खेत के अंदर पानी जाए। यहाँ से खोल के खेत के अंदर पानी जाए और आगे यहाँ से ही आगे को जाता है, सीधा गधेर के साथ मिल जाता है। यहाँ पे बीच बीच में मेथी भी है और गेहूँ भी उगा रखे हैं, धान भी उगे हुए हैं। ये है धनिया, इसके अंदर से अभी ये पक चुका है ना, इसमें से बीज निकलेंगे ये यहाँ से देखो, और फिर इसमें से निकलेगा धनिया। मेरे उत्तराखंड में यहाँ पे मिक्स फार्मिंग हो रखी है, धनिया भी लगा हुआ है, आलू भी लगा है, मेथी भी लगी है, गेहूं भी लगा है, प्याज भी लगा है। मेरे उत्तराखंड में कितना कलरफुल और सुंदर लग रहा है। रास्ते में लोग मिलते जा रहे हैं। नमस्कार, हमला भूल जाओ भैया, हमला देखो यहाँ से पूरा नीचे जंगल ही जंगल दिख रहा है, और नीचे से जो निधि जा रही है ना उसकी पूरी आवाज आ रही है। देखो रास्ता, उनके घर नींबू पानी पी के हम लोग अभी चल पड़े हैं इस नीचे वाले रास्ते पे, ऊपर को जाना है। वहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं काफल, अगर मिले कहीं पे भी तो हमारे को तोड़ेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे नीचे ना नदी बह रही है इतनी तगड़ी, और आगे को एक बांध भी बना रखा है, वो वहाँ से जाती दिख रही है। ये देखो सामने, यहाँ से आ रही है नदी। अरे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चिड़ियाओं की आवाजें आ रही हैं, अगर आ रही हो कैमरे में तो दो मिनट सुनो शांति से। मिल गया हमारे को ये एक कांफल का पेड़, इस पे लगे तो हैं पर कुछ हरे हैं, लाल तो बहुत ही कम है, ज्यादातर हरे ही हैं। मेरे उत्तराखंड में यहाँ पेड़ पे थोड़े बहुत तो लगे हुए हैं काफल, पर ये एक साइड से लाल है और एक साइड से पीला या हरा हो रखा है। लाल रंग की चींटियाँ भी हैं यहाँ पे, ये चींटियाँ काटेगी ना तो खुजली बहुत होगी। अभी थोड़े फीके फीके और खट्टे खट्टे से हो रहे हैं, मीठा तो कोई भी नहीं हो रहा है। ये देखो ऐसे काफल हो रहे हैं अभी वहाँ पे, ये वाले, ये ना ही लाल है हरे भी नहीं है वैसे पूरी तरीके से, पर ये इतने रसीले से भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे ये सुखा रखा है धनिया, वहाँ आगे भी धनिया के बीज निकाल के रखे हुए हैं, अभी पीछे दिखाया था ना धनिया, वही सुखा के रखा। रास्ता देखो पूरा पहाड़ी है, ये पहाड़ में कट कट के रास्ता स्टेप्स बन रखे हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सुबह 8 बजे के निकले हुए हम लोग, उस टाइम पे हम 9:30 के करीब पहुंच गए थे हम लोग महादेव, और अब हो गया है टाइम 11:30। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा है, बस वो थोड़े से काफल खाए थे, नमकीन खाई थोड़ी सी मैंने, बैग में रखी हुई थी एमरजेंसी के। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। ये हम लोग आगे वही प्राइमरी स्कूल, और ये है क्रेच, वहां तक पहुंच चुके हैं, और वो नीचे जो पौंड जैसा बना था वहाँ पे भैंसे लगी हुई है नहाने। मैंने ना गांव आके बहुत सारे आंवले खा लिए हैं, अब पता नहीं इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे। सुबह से अभी भी मैं 3-4 खा चुका हूँ। प्राथमिक विद्यालय, और ये बच्चे की छुट्टी हो गई, बैग लेके जा रहा है, बाय कल मिलेंगे। ये आ गए हम वापस से उसी पुल पे, पहुँच गए हम लोग अपने गाँव, और अभी टाइम हो रहा है
12:05 घर आके हम लोगों को लग गया भूख, तो ब्रेकफास्ट तो हमने किया नहीं था आज, इसलिए हम लोग बना रहे हैं मैगी। मैंने प्याज और टमाटर काट दिया है, हाँ देसी घी में मैगी बनाते हैं हम लोग। मैगियां हमने अब इसको अच्छे से थोड़ी देर बॉयल होने देंगे, फिर बन जाएगी हमारी गांव वाली मैगी। है लस्सी, तो अभी हम पी रहे हैं थोड़ी सी लस्सी, फिर उसके बाद खाएंगे मैगी। आज हमने ऐसी अटरम पटरम ही खाया, आंवला पका फल लस्सी, अभी मैगी बन गई है हमारी मैगी। तो अभी हम खाएंगे मैगी इन पहाड़ों के व्यू के साथ। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है और अभी बजे दिन के एक। अभी तक हो रही थी फुल धूप, अब देखो बारिश आनी शुरू हो गई, बारिश आ रही है। हमारे यहाँ दाल भात बन रहा था, पता नहीं देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। वैसे दाल बन रखी है, सिर्फ बॉईल ही करना है, उसको तड़का डाल दिया उसमें, इसमें राइस बन रहे हैं। चलो भैया जितने देर खाना खुना बन रहा है, वैसे तड़का वड़का सब लगा दिया है, सिर्फ राइस रह गए हैं, हल्की सी बारिश भी कम हो गई अब, तो हम जा रहे हैं नहले पानी लेने। अभी कभी भर रहा है पानी, इतना पानी है अभी इसमें, पूरा भरा हुआ है। वैसे ले आए नहले से पानी और अब हल्की हल्की धूप भी आ गई, अभी तक बारिश आ रही थी। वीडियो तो बनानी इतनी सारी पर किसी का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो अभी इंट्रोडक्शन है। जी का नाम हुआ नंद किशोर, फिर दादी बूबू की वाइफ, फिर मम्मी पापा हमारी दादी, फिर बड़ी वाली दादी, फिर खीमा चाचा, ये रहा कपिल और कभी, हेलो ये है कभी, ये हमारा छोटा चाचा। भात भी बन गया, भात खाएंगे और हमने कल वापस चंडीगढ़ जाना है, तो हम लोग साथ साथ में तैयारियां भी कर रहे हैं अपने जाने की। जो भी फालतू का सामान है जो अब हम यूज नहीं करेंगे, वो सब चीजें हम होली होली अंदर रखते जा रहे हैं। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़। हमारे मंदिर के ऊपर ना एक तिमिल भी बोलते हैं और फिग भी बोलते हैं, अंजीर का पेड़ लगा हुआ है और वहां पे एक अंजीर लाल हो रहा है, तो देखते हैं। मैं ले जा रहा हूँ बड़ा सारा छोटा सा, इसे तोड़ के देखता हूँ खाने लायक है कि कीड़े वीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि बरसात आएगी ना उस टाइम पे तो कीड़े पड़ जाएंगे। ये देखो ये एक हो रहा है लाल, इसको तोड़ते हैं। आ जा नीचे, आ जा, रुक जा रुक जा, वो आगे चला गिर गया, नीचे गिर गया था वो, इस साइड लेके आता हूँ उसको मैं। यहाँ पे गिरा हुआ है, ये रहा, ये हमारे घर का बैक साइड है, ये रहा। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पता नहीं पंदूल है यहाँ पे, पता नहीं क्या चीज है ये, इसको ले जाता हूँ पूछूंगा, इसको लेके चलते हैं पूछेंगे कि क्या चीज है ये। ये क्या चीज है देखना पापा, क्या है ये? गंजाड़ू। गंजाड़ू मतलब यहाँ गंजाड़ू के अंदर खाते नहीं है इसको। सब्जी बनती है इसकी, सब्जी बना लो, बनती होगी, इनको क्या पता यार, जंगलों में देखना पापा। गंजाड़ू है तो इसका क्या बनेगा, सब्जी बनेगी? नहीं सब्जी नहीं बनती। फिर क्या करने गंजाड़ू को? दवाई तो ही बनती है। फिर क्या करूँ अब, इसका फेंक दूँ? खर्च मारे यार इसमें। सब कुछ ऐसे। लो फिर ये अंजीर खोल के दिखाओ। पकड़ो तीनों पकड़ो। ये गुल्लर है? मम्मी तो अंजीर कह रही थी इसे। गुल्लर है। ये गुल्लर है? तो ये खाने लायक नहीं होते? खाने लायक होते पर अभी पके नहीं। ये देखो अम्मा कह रही तिमिल, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई यहाँ। अल्लाह अभी आप गुल्लर कह रहे हैं यार बाबा। मैं तो गुल्लर भी ऐसे ही होता है। ये अपने पेड़ से तोड़ के लाया हूँ मैं। तिमिल है। क्या लग रही है हमारी डाइनिंग टेबल बेड़े में, और मौसम हो गया एकदम बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले धूप बारिश हुई थी, फिर दोबारा से धूप हो गई थी, अब दोबारा से बारिश वाला मौसम हो गया, पूरे बादल छा गए हैं। पर हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, देखते हैं बारिश होती है कि खाना खाने देंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। चलो भैया हमारा लंच भी हो गया, और लंच करते करते बारिश भी आने लगी थी, पर इतनी बारिश नहीं आई कि हम खाना ना खा सकें, तो खाना खा लिया। अभी मम्मी और ये भी थोड़ा थोड़ा लगे हुए हैं, वो लोग लेट खाना खाना स्टार्ट किया था ना उन्होंने। भीमू का पेड़ है ये, और इसके पत्ते तोड़ रहे हैं ये लोग भैंस और गाय जानवर के लिए। बादलों के उड़ने वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। यहाँ पे काट रहे हैं और वो नीचे इकट्ठा कर रहे हैं सारा मेरे उत्तराखंड में। अभी नोहले से आता है इधर को, और यहाँ से जाता है दूसरे जो गांव के लोग हैं उनके घर की तरफ को। अभी नीचे जाके आते हैं एक बार, ये पहाड़ की तली है,
यहाँ पे मैं नहीं गया हूँ कभी अपने गाँव के, तो इधर भी एक बार देख के आते हैं। यहाँ पे ना एक ये पेड़ है, इसमें जो पीली वाली बेरी होती है ना वो लगी हुई है, कुछ कुछ जगह पे लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगी है, अभी पके नहीं है ज़्यादा। मैं दिखाता हूँ आपको, इसे बोलते हैं हस्याओ, स्वाद है पर है ही थोड़े थोड़े से, क्या खाएंगे इसमें। चलो थोड़ा सा ना नीचे और जाके आते हैं, फिर हमारे को जाना है ऊपर, हमारे गांव के कोई है उनके टीवी में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो एक बार देख लेंगे अगर वो हमारे से ठीक हो सकी तो। तार टूटा किया है, तार तो नहीं हो सकती, वो कह रहे कोई बटन दबा दिया हमने, बटन हुआ होगा तो देख लेंगे। ये हम लोग आ गए अभी अपने गाँव के बिल्कुल नीचे, ये सबसे नीचे तली है पहाड़ की, और इधर को ऊपर को है हमारा घर, और इधर है नोहला, और इस साइड को भी हमारा ही गांव है। जैसे हम पहाड़ पे ऊपर को चढ़ने शुरू हुए तो धूप आ गई, मतलब हम जब पहाड़ चढ़ते हैं तो धूप आ जाती है, जब घर पहुंचते हैं तो बारिश आ जा रही है। ये लगाया आमले का पेड़, और वो सामने हमारा घर, वो देखो अम्मा जा रही है, पूरा गाँव दिख रहा है यहाँ से। हम लोग पहाड़ों पर चल रहे थे और मेरी चप्पल टूट गई, तो अब आगे तो जा नहीं सकते, पीछे ही जाएंगे, पर थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे बढ़िया हवा चल रही है और क्या बढ़िया नजारा है। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ये हम आ गए वापस से ऊपर अपने गांव में, नीचे पूरा घुमाए हम लोग, घर आके थोड़ी देर बैठे ही थे कि देखो फिर बारिश आने लग गई। अभी सिर्फ 4 ही बजे हैं और देखो कैसी बारिश आने लग गई। बस ये रुक जाए थोड़ी देर में, क्योंकि हमने सामान रखने जाना है ऊपर, वरना फिर लाइन खराब हो जाएगी। पड़ने लग गए यहाँ पे तो, ये देखो दूनागिरी के साइड में बर्फ पड़ने लग गई होगी, ठंड पड़ गई पूरी, बिजली कड़क रही है, ओले गिरे हैं, ठंड हो गई है अब तो बहुत ज्यादा। मैंने तो विंडशीटर पहन ली, छाता लेके मैं बाहर आया हूँ थोड़ा सा देखने, अब थोड़ी सी बारिश कम हो गई है, मतलब पहले ओले गिरे थे बहुत तेज तेज, बिजली अभी भी चमक रही है। लो भैया आप देखो बारिश बिल्कुल रुक गई और धूप हो गई, सामने पहाड़ों पे भी धूप आ गई। अभी 5 ही बजे हैं और वो देखो धूप चमकने लग गई सामने, पर बादल अभी भी लगे हुए हैं सामने ऊपर, पूरे बादल लगे हुए हैं, देखो फिर से बारिश आने लग गई, ये देखो, और बादल तो गरजी जा रहा है भाई कॉन्टिन्यूसली, ऐसी आवाज आई जा रही है बस। अभी बारिश रुक गई है तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, एक हैंड बैग ऊपर गाड़ी में रखाते हैं, क्योंकि फिर कल सुबह सुबह निकलेंगे ना तो इतना सारा सामान ऊपर ले जाया नहीं जाएगा एक बार में, अभी रख के भी आएंगे और साथ में मार्केट से कुछ सामान भी लेके आना है। ऊपर सड़क तक जाने के लिए ना कम से कम 2 बार रुकना पड़ता है, एक बार वहाँ बीच में रुका था, एक बार यहाँ रुका हूँ, अब इसके बाद बस ये थोड़ा सा रास्ता है। अभी हम जा रहे हैं दौला, वहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान लेना है कुछ, फिर हम जाएंगे वापस से नीचे को। हमने थोड़ा बहुत सामान रख दिया गाड़ी में ताकि सुबह ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आगे हम लोग वापस अपने गाँव, चलो अब चलते हैं नीचे को। आगे हम लोग नीचे, नीचे आने में इतनी थकान नहीं लगती, ऊपर जाने में थकान लगती है, मिनिमम 2 बार तो रुकना ही पड़ता है। चिड़ियाँ घूम रही हैं। अभी हमारे सारे काम वगैरह भी निपट गए हैं और अब हम लोग बना रहे हैं डिनर, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए बाय। मैं गुलेल से निशाने लगा रहा हूँ, बाय।